पिछले कई दिनों से वसीला उर्दू टीवी पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जिसमें टीडीपी के एक लीडर जो कि कड़पा के टाउन प्रेसिडेंट है जनाब जिलान बादशाह साहब, वो आपको केएसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक अल्ताफ हुसैन आबिदी की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब ये वसीला उर्दू टीवी पर वीडियो दिखाया गया, उसके बाद कई लोगों ने जिलान साहब पर यह सवाल उठाया कि क्या वो अल्ताफ हुसैन आबिदी के साथ मिले हुए हैं, क्या उनका अल्ताफ हुसैन आबिदी के साथ में कोई ताल्लुक है। और इस बात को लेकर फेसबुक में और सोशल मीडिया में कई सवालात खड़े किए गए। इन सवालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने जिलान साहब से बात करनी चाही और उनसे मुलाकात की, इस सारे मामले के पीछे का सच जानने की कोशिश की। आइए दिखाते हैं आपको। वसीला टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से हम वसीला टीवी पर एक क्लिप दिखा रहे हैं जिसमें टीडीपी के कुछ अराकिन केएसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक अल्ताफ हुसैन आबिदी के साथ स्टेज पर नजर आए। और इतना ही नहीं, टीडीपी के एक अराकिन जिनका नाम जिलान साहब है, उन्होंने स्टेज पर खड़ा होकर केएसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक अल्ताफ हुसैन आबिदी की तारीफ भी की थी, इस सिलसिले में कि वो इतने कम पैसों में लोगों को ले जा रहे हैं, उनके दिमाग की तारीफ की थी और साथ में मौलवी हजरात को फ्री ले जाने और उनकी बीवियों को भी फ्री ले जाने की जो बात की थी उसके ऊपर उनकी हौसला अफजाई की थी। इस मसले को हम जानने के लिए उनके पास आए हैं मिलने के लिए कि उन्होंने ये हौसला अफजाई क्यों की थी, वो किसी एक मेहमान की हैसियत से गए थे या फिर इसमें और कोई इनका दखल था। आइए उनसे बात करते हैं। जिलान भाई, आप जब मीटिंग में मौजूद थे वहाँ पर, तो आप इतना जोश और खरोश के साथ में अल्ताफ हुसैन आबिदी की तारीफ कर रहे थे, तो उसके पीछे राज क्या है? मैं हकीकत में बात यह है कि मैं ये प्रोग्राम में जाकर आते वक्त में मैं अमीर बाबू बोले कि कुछ उमरा के लिए हाजियों को भेजा जाता है, हम भी उसमें जाकर शामिल होंगे क्योंकि उनसे दुआ लेना है कि हमें भी जो हाजियों से मिलने से हम लोग को भी फ्यूचर में उन जाके दुआ करेंगे उमरा में करके बोले। तो मैं उनके साथ अमीर बाबू के साथ वहां पर उमरा को जाने वालों से मिलने गए। तब उन्होंने क्या कहा, तो आप टीडीपी के सिटी प्रेसिडेंट है, आप कुछ बात करो इनके बारे में करके बोले। तो वो जो क्या कर रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, तो मेरे को नहीं मालूम। जब भी वो मालूम हुआ कि 25,000 में भेज रहे हैं करके बोले, 25,000 में टिकट आदि नहीं कैसा भेज रहे, ये पारित करने की बात है। 25,000 में करते हैं, उनका बोले 25,000 रुपए 6 महीनों के बाद हमें उसको बिजनेस करके 15,000-20,000 रुपए कमाकर वो पैसों से उनके खाने के खर्चों के साथ इनको हम उमरा भेज रहे हैं करके बोलते हैं। तो मैं वो सुना उसमें, तो मैं परेशान हुआ कि 25,000 में इन्हों बिजनेस करके 6 महीने इनके पैसे लेकर इनको फिर खाने के खर्चे लगाकर भेज रहे हैं, ये मामूली बात नहीं, वो दिमाग की बात है। अगर सोचा मैं तो मैं अपने अपने जो बात करता था, जो हाजिर जो उमरा जा रहे हैं, मैं उनका मिलने गया था, तो मैं भी उस बारे में बात करा कि अरे भाई बहुत सोचने की बात है कि 25,000 में इन्हों बिजनेस करके 6 महीनों के बाद ये उमरा भेज रहे हैं, ये कुछ गरीबों के लिए कुछ अच्छा काम समझा मैं, मगर इसके पीछे जो कारनामा है और इसके पीछे कौन कौन है, इसके पीछे क्या है, ये मेरे पता नहीं था। सिर्फ मिलने गया था, मिलने जाने के बाद इतनी बात चली तो मैं परेशान हो गया, तो मैं बोलना पड़ा कि 25,000 में और कैसा जाते हैं करके। वो बात जाहिर हुई पब्लिक में कि सब परेशान थे, हकीकत में तो 25,000 में ले लेके जाना ये मामूली बात नहीं, तो फिर ये बिजनेस करके लेके जाते बोले तो थोड़ा भरोसा करना पड़ा। और मामूली आदमी ने बहुत अच्छे दानिशमंदी बहुत सारे इनके जाल में आ गए केएसएस ट्रैवल्स के, अरे बहुत अच्छा करते हैं ये तो वर्ग, मगर इनके अंदर का मतलब किसे नहीं, अब किसे मालूम होता कि अंदर मुसलमानों के साथ मुसलमानों के उमरा जाने के अच्छे काम को इन्होंने अपने दिल में बुरी नीयत से कर रहे हैं, ये किसी लीडर को नहीं मालूम है, ये कैसे मालूम होता। इसलिए पूरे आके कड़पा शहर के पूरे लीडर्स ऑलरेडी इनके ऑफिस भी ओपन करे, इनके ऑफिस में बैठे, वाईएसआर पार्टी हो, टीडीपी हो, कौन भी रहो, इनको जो अच्छा काम करते हैं करके बोल के उनके साथ दिए, बुरा काम करे तो कोई लीडर जाता नहीं इनके साथ, कोई पार्टी नहीं जाती इनके साथ। तो इन्होंने इनका असली रूप थोड़े दिन के बाद बता दिया कि ये आवाम से गरीब मुसलमानों को उमरा जाने के लिए इसी तरह बेइंसाफी कर रहे हैं, इनसे दगा कर रहे हैं कि पूरे स्टेट में नहीं, पूरे बहुत सारे स्टेट में ये काम कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है कि एएसएस ट्रैवल्स वाले इतना गलती काम कर रहे हैं, इतना कौम के
अच्छा काम करने की वजह से मुसलमानों को ही मुसलमानों को धोखा देना, ये पहली बार है दुनिया में, हमें भी नहीं देखे, ये बहुत बड़ा गलत काम है कि इसके ये हम अच्छा काम करके समझे, ये उमरा जाने बुला लेके जाने का अच्छा काम समझे, ये कर रहे हैं अपने मर्जी से, अपने दिल में पैसे पैदा करने के लिए अपने दिल में नियत खराब रख के काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसे कौम ने इस्लाम कोई बख्श है नहीं, हम हुकूमत को साथ लेकर इनका पूरा जो भी बेइंसाफी चली है वो बेइंसाफ लोगों को इंसाफ दिलाएंगे चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ, उनके उनके नजर में लेकर जाकर इस जो धोखा चला है, इस धोखे को हम पर्दाफाश करेंगे और इनको सही पनिशमेंट देंगे, इनको अल्लाह भी पनिशमेंट देगा और इंसान हर एक जना भी इनको पनिशमेंट देना है, ऐसे लोग इस दुनिया में रहने का कोई वजूद ही नहीं। तो नाज़रीन, देखा आपने कि हमने अभी जीनान भाई से बात की और उन्होंने ये साफ तरीके से बता दिया कि केएसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स में इनका कोई भी साथ नहीं था, ना इन्होंने केएसएस ट्रैवल्स से कभी के मालिक से कभी मुलाकात की थी जाती तौर पर, ना उनसे कभी बातचीत हुई थी जाती तौर पर। बस ये एक वाकया था कि जब वो इत्तेफाकन स्टेज पर पहुंच गए और इनके पास एक टैलेंट है जो स्पीच देने का, उसको इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों ने इनके हाथ में माइक दे दिया और इन्होंने बिला शको शुबा उनके बिजनेस को देखकर, उनके स्नेक कार को देखकर उनकी तारीफ कर दी, तो यही एक रीजन था कि ये लोगों की नजरों में आ गए। तो हमारा जो मकसद था इनका वीडियो दिखाने का वो ये नहीं था कि ये इनके साथ में मिले हुए, तो ये जो दावा था लोगों का कि जिलान भाई केएसएस ट्रैवल्स के मालिक अल्ताफुद्दीन आबिदी के साथ में मिले हुए हैं, वो यहाँ पर झूठा साबित होता है। तो यहाँ पर जो इल्जाम लगे थे जिलान साहब पर वो इस वक्त निकल जाते हैं कि ये इनके साथ में किसी तरह से भी शरीक नहीं थे, ये सिर्फ वहाँ पर लोगों से मिलने गए थे और उनके काम की तारीफ करने गए थे, जब तक कि उनको हकीकत पता नहीं थी। अब जब उन्हें हकीकत पता चल गई है तो पूरे जोश और खरोश के साथ में हुकूमत की मदद से उनको सजा दिलाने के लिए पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक गुजारिश ये भी होगी वसीला टीवी के जरिए तमाम उन अराकीन से, पार्टी के लीडरान से और हमारे जितने भी जिम्मेदार दानिशवर हजरात हैं, चाहे वो उलमा इकराम क्यों ना हो, अमायदीन हजरात क्यों ना हो या बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स क्यों ना हो, उनसे गुजारिश ये होगी कि कल खुदा ना खासा कल को ऐसे कई और फ्रॉड हो सकते हैं, तो इसलिए जब भी आप किसी भी ओपनिंग प्रोग्राम्स में या किसी भी स्टेज पर आप लोगों के साथ में उनके हौसला अफजाई के लिए जाएं तो पहले एक बार तफ्तीश कर लें कि वो क्या बिजनेस करते हैं, उनका कारोबार किस तरह से चलता है, वो पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारी मालूमात लेने के बाद ही उनके हौसला अफजाई के लिए उनके स्टेज पर जाएं, उनकी तारीफ वगैरह करें, उनसे मुलाकात करें। तब तक के लिए बिना तफ्तीश के अगर हम आग बंद करके जाएंगे तो हम जिस जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पीछे हजारों की तादाद में लोग फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें उनके उनकी रहनुमाई में चलने वाले होते हैं। जब एक लीडर किसी के तायद करता है तो पूरे हजारों के लोग उनकी तायद करने के लिए चले जाते हैं, उससे पूरे कौम को पूरे समाज को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए दोबारा कभी भी आप किसी भी स्टेज पर जाएं तो पूरी तरह से तफ्तीश करने के बाद जाएं। पूरे पार्टीज के लीडर से यही गुजारिश है और उलमा इकराम से और पूरे दानिश हजरात से कि कभी भी स्टेज पर जाए तो पूरी तफ्तीश के बाद जाए, वरना ना जाए, और जाए तो बात करने से गुरेज करें, किसी भी तरह से उनका हौसला अफजाई करने से गुरेज करें। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं सैयद सुहेल, वसीला टीवी, कड़पा।